हेलो एवरीवन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर हार्लिक क्वीन। याद हूँ ना, मैं भूले तो नहीं ना। तो फाइनली वो पल, वो घड़ी, वो मौका आ चुका है जब मैं अपने पीसी का अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। हालांकि मैंने बहुत मैस कर रखा है, मैं दिखाऊंगी नहीं, यहाँ 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 सब जगह मैंने मैस बना रखा है, लेकिन अब मैं फाइनली अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो मैं आपको वो दिखा सकती हूँ कि मेरे मेरे जो पीसी है ना, वो मतलब कहाँ रखा हुआ है। रुको रे, हो जा, बैक कैमरा नहीं होता है इसमें। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ठीक है, ऐसे ही दिखा देती हूँ। सो गाइस, ये है, उस पर थोड़ा सा सामान रखा है। तो हम सामान की तरफ नहीं देखेंगे। तो ये रहा हमारा पीसी। कब्बा डब्बा जब्बा हो रहा है मेरे साथ। ये रहा हमारा पीसी, मतलब सीपीयू। उसके पीछे मॉनिटर है। जब हम पूरा सेटअप कर लेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि ये बिफोर एंड आफ्टर कैसे दिखता है। जस्ट वेट एंड वॉच। फिलहाल तो मैंने ये सब ऐसा मैसअप कर रखा है पूरा कमरा अपना, सिर्फ एक इसको सेट करने के लिए, इस टेबल को सेट करने के लिए। इस टेबल पे इतना सारा सामान था। तो खाने पीने की चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, अभी रमज़ान चल रहा है तो हर कोने में कुछ ना कुछ तो खाने को दिखता ही रहेगा। सो फिलहाल हम इस टेबल को सेटअप करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम ये सामान भी सेट करेंगे। अपने खूबसूरत हाथों से सीपीयू वाले डब्बे का हम हैप्पी बर्थडे करने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, कट जाओ। देखो ऐसे तो नहीं कट रहा है, ये यहाँ से काट दो पहले। बढ़िया। और हैप्पी बर्थडे आया मेरा अंदर से सीपीयू, इट्स लुकिंग सो गुड, आई एम सो एक्साइटेड। तो ये है मेरा सीपीयू, थोड़ा सा बदल गया है ना, और मैं सबसे फेवरेट पार्ट करने वाली हूँ। पॉलिथीन चुटाने में कितना मज़ा आता है। तो अब बारी है मॉनिटर की। मैं तो इतने में तो गई, इसको खोलने में ना मेरी जान निकल गई, वो कचरा निकल आया। मतलब ये है उसका स्टैंड कॉर्ड, ये है उसका, पता नहीं क्या है, ये पीपीट गड्डी जैसा। और ये रहो मेरा मॉनिटर, मैं तो थक गई भाई शाह। तो फटफट से मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, इसमें कस के, आई थिंक इसमें लगता है, इतना गंदा हो रहा है यार ये अंदर से, ये भी साफ करना पड़ेगा। उफ, फाइनली सीपीयू भी लग चुका है मॉनिटर के बाद। उफ, बाकी सारी चीज़ें भी रह गई हैं, फटफट से अरेंज कर लेती हूँ। तो फाइनली अब हम करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का अनबॉक्सिंग। लेट्स बिगिन। टडान। तो ये है वो महत्वपूर्ण हिस्सा। तो ये मुझसे थोड़ा सा वो हो गया, आई एम सॉरी। मैं अनुपमा ज़्यादा देख रही हूँ लग रहा है आजकल, सॉरी। तो ये हो गया, वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो ये है बहुत प्यारा सा कीबोर्ड, इसके बारे में मुझसे ज़्यादा मत पूछ लेना। ये ब्लूटूथ एंड वायर दोनों से चलता है। ये रहा इसका वायर, बट हमें तो थोड़ी सी नवाबी झाड़नी है, तो हम यूज़ करेंगे इसको बिना वायर के। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल यार, कितना प्यारा है, मज़ा तो आ रहा है देखो। तो ये एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। ये रहा इसका ब्लूटूथ सिस्टम। ओहो, ऑन हो गया, तो हम इसे ऑफ़ कर देंगे। ये देखो ये ऐसे ऑन हो जाता है, ऑन किया तो ये ऑन हो गया। इसमें सब कुछ दिखाता है, चार्जिंग, पास से दिखाती हूँ, सब कुछ दिखाता है ये चार्जिंग, कितने डिवाइसेस से कनेक्ट है, डेट, टाइम, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज़ माय न्यू माउस। तो ये है लॉजिटेक का G304 वायरलेस। लेट्स अनबॉक्स इट। मैं एक याद से कर रही हूँ ना, तो ना थोड़े से टाइम लगता है। सच क्यूट माउस यार, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं ना, तो मेरा छोटा ही माउस अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरा छोटू सा माइस माउस, लेकिन ये चलता कैसे मुझे नहीं पता, कनेक्ट करने के बाद ही पता चलेगा। ओ हाँ, इट हैज़ अ बटन, गॉट इट। ये कनेक्ट कैसे होगा वो देखना पड़ेगा यार, मुझे नहीं पता। तो ये जादू का पिटारा कहाँ से खुलता है ये बताएगा ये,
ये ओ तो इसको यहाँ पे प्रेशर देंगे। ओ खुल गया। ओ अच्छा, तो वो जो बैटरी निकला है वो इसमें लगेगा ऐसे, है ना? तो स्प्रिंग किस साइड है? अंदर की साइड, तो ये ऐसे लगेगा। ये घुस गया। और ये रहा इसका ब्लूटूथ कनेक्टर। निकल जा, सारी चीज़ें ब्लूटूथ से चल रही हैं आजकल। ओके, अब हम इसको ऐसे बंद कर देंगे सिंपली। बट अभी भी मुझे जानना है कि ये केबल जो उसके साथ दी है, इसका क्या यूज़ है, क्या उपयोग है इस केबल का? क्या कोई मुझे बताएगा कमेंट तो में? ये है मेरा वेब कैम। इसको जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। नहीं यार, मैं एक ही हाथ से कर पा रही हूँ ना। ओ प्लीज़ कोऑपरेट यार, ये पिछले वाले से तो बहुत बेस्ट है। ओ इसमें भी पॉलिथीन लगी है, छुड़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये मुझे। रुको, ये बहुत प्यारा है यार, आई लव इट। अब बारी है हमारे माइक के अनबॉक्सिंग की। ये कहाँ से खुलता है? यहाँ से। वाह यार, क्या तो कलर है, आई लव दिस। इसके साथ और क्या है? हैंडल, ओह स्टैंड्स का। तो ये इसमें कसेंगे हम। इसको हटा देते हैं, तो ये इससे ऐसे करके स्टैंड हो जाएगा। ओह माय गॉड, सो क्यूट। वाओ, इसको हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लुकिंग क्यूट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये है हमारा जेब्रोनिक का हेडफोन न्यू। इसकी भी अनबॉक्सिंग फटफट से कर लेते हैं। वैसे तो मेरे सारे बॉक्सेस दोबारा से खोल रखे थे, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत जुल है, मैं तो नहीं कर सकती इतना वेट। तो ओ माय गॉड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे लगीं।